डियर स्टूडेंट्स, इंडियन चैनल में आपका स्वागत है। जो आज का टॉपिक है ये नेशनल जीके, हरियाणा जीके, सीईटी एग्ज़ाम हरियाणा और रेलवे एग्ज़ाम, अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ पढ़ेंगे। भारत में ज़्यादातर गाँव में खेती की जाती है और उसके साथ साथ कई अन्य प्रकार की भी खेती की जाती है, उन कृषि विधियों के नाम हम अब डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पर है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन होता है। अगर आप रेशम के कीट को पाल रहे हैं तो उसको सेरीकल्चर बोलेंगे, रेशम के कीट को पालना। अब इसको याद कैसे करेंगे, रेशम में देखिए पहले दो अक्षर र स है और सेरीकल्चर में उल्टे अक्षर स र स है, सेरी र स, तो थोड़ा सा इंटरलिंक करके आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है एपीकल्चर। एपीकल्चर बोलते हैं मधुमक्खी पालन को। अगर आप मधुमक्खी पालन कर रहे हो तो उस विधि को बोलेंगे एपीकल्चर। अब कैसे याद करेंगे इसको, एपीकल्चर में फर्स्ट अक्षर ए है, ए से आप क्या लिख सकते हो, एनक, पुराना वर्ड है जिसको स्पेक्स बोलते हैं, चश्मे। तो चश्मे किसने लगाए, मधुमक्खी ने लगाए। स्पेक्स किसने लगाए, मधुमक्खी ने लगाए। तो इस प्रकार आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर बोलते हैं मछली उत्पादन को, मत्स्य पालन को। मछली को कैसे खाया, पीस कर खाया। तो इस प्रकार आप इस ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में फूलों का उत्पादन, फ्लोरिकल्चर मींस फूलों का उत्पादन। फ्लोरी में पहला अक्षर फ्लोरी है, फ्लोरी से फूल। तो इस मुझे तो नहीं लगता कि इसको याद करने में आपको कोई दिक्कत आ रही होगी। आगे चलिए विटीकल्चर। विटीकल्चर होता है अंगूर की खेती। अगर आप अंगूर की खेती कर रहे हैं तो उसको विटीकल्चर बोलेंगे। और अंगूर वेट हो गए, गीले हो गए, बारिश हुई लगातार कई दिन और उसमें अंगूर वेट हो गए गीले, तो अंगूर विटीकल्चर। नेक्स्ट वर्मीकल्चर। नेक्स्ट जो विधि है आपकी वर्मीकल्चर। वर्मीकल्चर केचुआ उत्पादन। अगर आप केचुए पाल रहे हैं भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए तो उसको बोलते हैं वर्मी कल्चर। अब गर्मी मीन्स वर्मी को आप लिख लो गर्मी, गर्मी बहुत हुई, गर्मी पड़ी तो उसकी वजह से केचुआ अपने बिल से बाहर निकल आ गया। वर्मी गर्मी और केचुआ, गर्मी हुई और केचुआ अपने बिल से धरती से नीचे से निकल आया। तो इस प्रकार ट्रिक से जोड़ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पोमो कल्चर। क्या है पोमो कल्चर, पोमो कल्चर होता है फलों का उत्पादन। अगर आप फल लगा रहे हैं तो उस प्रकार की कृषि विधि बोलेगी पोमो कल्चर। अब याद कैसे करेंगे इसको, फल, फल को आप किस चीज़ में डाल के लाते हो बाज़ार में से, पॉलीथीन। तो पोमो कल्चर में पहला अक्षर क्या है, प, प से पॉलीथीन, फलों का उत्पादन। आइए आगे चलते हैं ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर होता है सब्जियों का उत्पादन। अगर आप सब्जियां लगा रहे हो अपने खेत में तो उसको बोलेंगे ओलेरी कल्चर। अब कैसे ट्रिक याद करेंगे, सब्जियां, सब्जियां लगाई और ओले पड़ गए, सब्जियों का असर ओलों पर हुआ, सॉरी ओलों का असर सब्जियों पर हुआ और सब्जियां ख़राब हो गई। तो इस प्रकार आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। आगे देखिए हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट विधि है हॉर्टिकल्चर। इसको कैसे याद करोगे, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में बोलते हैं बागवानी को। अगर आप बागवानी का काम करते हो तो हॉर्टिकल्चर बोलेगा। हॉर्टी से बना लीजिए पार्टी। पार्टी कहाँ हुई, बाग में हुई। पार्टी कहाँ हुई, बाग में। हॉर्टी पार्टी से बागवानी। नेक्स्ट देखिए, बड़ा आसान है नेक्स्ट, एरोपोल्टिक। एरोपोल्टिक, एरोपोल्टिक होता है हवा में पौधे को उगाना। एरोपोल्टिक होता है हवा में पौधे को उगाना। हवा में पौधा उगाया एरोपोल्टिक। बड़ा आसान है याद करना।
एरो, एरो मीन्स एयर, एयर वर्ड से बना है एरो, तो एरो हवाई होते आपको पता है ये। आगे है हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स होता है जल में पौधे को लगाना, जल में पौधा लगा दिया हाइड्रोपोनिक्स। अब हाइड्रो वर्ड से साफ पता लग रहा है कि पानी से संबंधित है, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, तो इस प्रकार आप हाइड्रोपोनिक्स से जल में पौधे लगाना। इसी प्रकार कुछ विभिन्न कृषि क्रांतियां हैं जो भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, चाहे नेशनल लेवल का हो, चाहे एक स्टेट लेवल का हो, किसी भी स्टेट का हो, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। पहला है हरित क्रांति, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन मींस ज़्यादा से ज़्यादा खाने की वस्तुओं का उत्पादन, जैसे गेहूं, चावल, सरसों वगैरह, तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति दूध का उत्पादन, बड़ा आसान है। नीली क्रांति, नीली क्रांति मछली, मछली नीले रंग की, इस प्रकार थोड़ा सा याद कीजिए, नीली क्रांति मछली उत्पादन। उसके बाद भूरी क्रांति, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, उर्वरक खाद भूरे रंग का, इस प्रकार याद कीजिए, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। आगे रजत क्रांति, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन। उसके बाद पीली क्रांति, पीली तिलहन उत्पादन, सरसों का उत्पादन, पीली होती है सरसों, तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हो, पीली क्रांति। उसके बाद है कृष्ण क्रांति, जो पेट्रोल डीजल बायोडीजल हैं उनके उनके उत्पादन में वृद्धि, उनका उत्पादन कृष्ण क्रांति। अब भगवान कृष्ण ने महाभारत में रथ चलाया था, तो रथ में क्या डाला था, डीजल डाला था, तो अब चला था रथ, तो एक जस्ट ट्रिक है याद करने की, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। लाल क्रांति, लाल क्रांति टमाटर और मांस का उत्पादन, टमाटर भी लाल होता है मांस भी। आगे देखिए गुलाबी क्रांति, एक प्रकार की मछली होती है झींगा टाइप की मछली, उसका उत्पादन गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट है बादामी क्रांति, बादामी क्रांति मसालों का उत्पादन, बादामी क्रांति मसालों का उत्पादन। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति फलों का उत्पादन, सुनहरी क्रांति है फलों का उत्पादन। और जो लास्ट है अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजनाएं, नदियों को आपस में जोड़ना, अमृत क्रांति। तो ये जो टॉपिक था काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था इंडियन जीके के हिसाब से और नेशनल जीके के हिसाब से। वीडियो को एक बार देखो, दो बार देखो, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, और मैं श्योर कह रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है, किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो, चाहे हाई लेवल का हो, यूपीएससी का हो, या छोटे लेवल का हो, क्लर्क ग्रुप डी वगैरह का हो, तो इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट में, लाइक करें, शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।